ओम शांति। आज की तारीख है 28/8/22 और आज हम सुनेंगे अपने प्राण प्रिय मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 16/3/92 की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतोप्रधान सुंदरता आप मास्टर आदिदेव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। सुना, सुन करके नशा चढ़ता है। हाँ बाबा, देखो हम बच्चों को कितनी हमारी आदिकाल की स्मृतियां दिलाते हैं। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता को देख रहे हो, लेकिन आदिकाल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतोप्रधान और सुंदर होगा। वहां के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्मा हो, प्रकृति पति हो, इस प्रकृति को खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल को देखते हैं, खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो ये स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। समझा? अच्छा, अब मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा का बहुत ही सुंदर याद प्यार सुनेंगे। तो बाप दादा बोले, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा के निमित्त बनने वाले सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं सदा तीनों काल के वर्षे की खुशी में रहने वाले सदा साक्षी बन प्रकृति और माया के खेल को देखने वाले ऐसे सदा विजयी सदा उड़ती कला वाले सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
वरदान बाप दादा का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परेश पालन करना। आप सब ने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति को श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। अच्छा स्लोगन है अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक। अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। ओम शांति।